सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी ऑन पैसिवियंस का हमारी इस दूसरी वीडियो के अंदर स्वागत है। जो आप सब लोगों ने कमेंट किए हैं उन सभी के जवाब मैं लेके आया हूं। पहली वीडियो मैंने कल बनाई थी और आज ये मेरी दूसरी वीडियो है, पार्ट टू है। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे जेन्युइन सवाल भी आ रहे हैं, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है अब शॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती रहेंगी हैंड टू हैंड, तो आपको काम करने में मजा भी आएगा और आपका जो इकोसिस्टम है या आप जो काम करने वाले हो वो बहुत स्मूथली आप काम भी कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप जुड़े हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई भी वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देख रहे हो, तो आपके माइंड में कोई भी जेन्युइन सवाल आ रहा है, तो आप वीडियो के नीचे तुरंत आप कमेंट करिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून की बजाय अगर आप अपना जेन्युइन कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का सवाल भी हो सकता है आपका सवाल। तो पहला सवाल ले लेते हैं यहां से। नेशनलिटी सिलेक्ट नहीं हो रही है और सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी नेशनलिटी शो नहीं हो रही है तो ये आपकी बाद में शो हो जाएगी, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन बाद में अपडेट हुआ है। और अगर आपने इसको प्रोफाइल में जाकर के फिल कर दिया है और बाद में इकोसिस्टम ऑन करके देखा लेकिन बाद में भी ब्लैंक नजर आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और जो हमारा जो सिग्नेचर है वो नीचे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी जगह क्लोज बटन आ रहा है, तो उसमें अभी इकोसिस्टम में बैकएंड पे जो है काम चल रहा है। ये सारी चीजें हमारी अपडेट हो जाएंगी, जैसे कि हमारे बैक ऑफिस के अंदर हमारा जो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है वैसे ही इसमें भी दिखाई देगा। तो इसमें ज्यादा सवाल जवाब करने की, किसी को टिकट लगाने की या कोई भी अपने ब्लेसर से कुछ भी पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर टू, अगर आपने अपने फैमिली मेंबर के साइन कर दिए हैं, नाम उनका ही डाला है, तो केवाईसी करने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। भाई देखो, आपके ब्लड रिलेशन में कौन कौन आते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके पत्नी, आपके बच्चे आते हैं, अगर इनमें से आपकी किसी की भी आईडी है तो आप इनके साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साइन करने के बाद केवाईसी में दिक्कत कहां आती है, केवाईसी में दिक्कत तब आती है जब आपने जो साइन किया है या आपका जो प्रोफाइल है उसमें नाम कुछ और है, साइन में नाम कुछ और डाला है, तो आपकी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो आपके प्रोफाइल में नाम है, जिस नाम से आईडी है उसी नाम से आपने साइन किए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहां पे एक चीज आती है, माइनर वाली आईडी की बात आती है। जी हाँ, माइनर वाली आईडी की बात आती है। यदि आपके जो माँ बाप हैं और आपके माँ बाप की आईडी भी है और वो अनपढ़ हैं, सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, तो आप इस कंडीशन में, इस बिहेव पे जो है, आप अपने सिग्नेचर उन्हीं के नाम से आप खुद उनके सिग्नेचर कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बट अब माइनर वाली आईडी की बात आती है जिनकी 18 साल से नीचे उम्र है। अब 18 साल से नीचे की उम्र है तो उनकी केवाईसी करने में दिक्कत आती है। तो यहां पे अगर आप उनके ही सिग्नेचर कर देंगे जो बच्चों की आईडी है और बच्चे का नाम भी है प्रोफाइल के अंदर, तो वहां पे हो सकता है कि केवाईसी में प्रॉब्लम आए, क्योंकि 18 साल का बहुत बड़ा इसमें एक लॉजिक चल रहा है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसका सही तरीका तो यह है कि अगर कोई माइनर आईडी है तो उसका आप नाम चेंज कर लो और आईडी अपने नाम पे ट्रांसफर कर लो, उसका नाम चेंज करके 18 साल से कम उम्र के जो है बच्चे की आईडी है तो, और उसमें जिस नाम से आप आईडी ट्रांसफर कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, तो आप उसमें उन्हीं के ही सिग्नेचर करवा दो। सिंपल, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह है नंबर थर्ड, क्या नए एनडीए में सिग्नेचर बदल सकते हैं। जी हाँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो हमारा नया एनडीए सिग्नेचर आया है इकोसिस्टम के अंदर, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है कि बैंक में मेरा कैसा है, मेरा बैक ऑफिस में कैसा है, या मेरा स्कूल में मैं कैसे साइन करता हूं, या मैं किसी फॉर्म पे कैसे साइन करता हूं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप अपने तरीके से, बिल्कुल यूनिक तरीके से, जो आपने कहीं पर भी साइन नहीं किया वो भी साइन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैचिंग का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, ओ फाउंडर का पासवर्ड भूल गए हैं, ओ फाउंडर नहीं खुल रहा है, क्या करें। ओ फाउंडर मीन्स बैक ऑफिस, बैक ऑफिस का पासवर्ड भूल गए हैं, वो खुल नहीं रहा है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पासवर्ड आप भूल क्यों गए। अगर आपने जब बैक ऑफिस बनाया था, आपके पास पासवर्ड आया था, उसको आपको लिख के रखना चाहिए था। आप ये इतनी ज्यादा लापरवाही आप मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है ये आपका पासवर्ड। अगर आप ऐसी चीजें भूल जाओगे तो फिर आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, उनको कैसे आप जो है मेंटेन करके रख पाओगे। तो यहां पे अगर आप भूल गए हैं
तो आपका पहला तरीका तो ये है कि वहां पर रीसेट बटन है, तो उस रीसेट बटन पे क्लिक करके आपके मेल आईडी पर एक रीसेट नाम का बटन पहुंच जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को चेंज कर लो। जी हाँ, उसके अलावा अगर आपका इकोसिस्टम खुल रहा है, जी हाँ इकोसिस्टम खुल रहा है, ओईएस खुल रहा है, उसमें तो बैक ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, आपका इकोसिस्टम अगर खुल रहा है, ओ मेल आईडी पासवर्ड से खुल रहा है, तो आप अपने इकोसिस्टम से भी डायरेक्ट अपने बैक ऑफिस में एंटर हो सकते हैं। जो आपके प्रोडक्ट पैनल में ओ फाउंडर का जो साइन है, ओ फाउंडर का जो लोगो बना है, उस पर क्लिक करके बिना आईडी बिना पासवर्ड के वहां से भी एक रास्ता अंदर जाने का हमारा बना हुआ है, तो वहां से भी आप अंदर जाएंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट आप बैक ऑफिस में एंटर ना हो जाओ। अब ये मत कहना कि मुझे जो है मेरा ओमेल आईडी और पासवर्ड भी भूल गया हूं, अब ये मत कहना। नेक्स्ट, क्या हम अपनी एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, अगर हम अपने बैक ऑफिस में जाके देखें तो आपको उसमें ये मैसेज बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा, शेयर योर बिजनेस टू द वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड को बिजनेस शेयर करिए। और ये जूली मैडम ने भी बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रैंडमली कोई भी लिंक शेयर नहीं करनी है। किसी को भी अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे बात करिए, आप उसे बताइए अपने सिस्टम के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, उसके बाद ही आप उसे शेयर कीजिए। और किसी भी अनजान ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप, एक्स वाई जेड, टेलीग्राम, वेलीग्राम, जो भी ग्रुप है, अनजान ग्रुप में आप लिंक शेयर ना करें। पोटेंशियल कस्टमर को आपको यहाँ पे लेके आना है, आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ओमेल काम नहीं कर रहा है, ओमेल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो हमारा अंदर है। द करंट यूजर इज नॉट रजिस्टर विद ओमेल बता रहा है, और 11 बार भाई साहब टिकट भी लगा चुके हैं। जी हाँ, 11 बार यानी कि 11 टाइम्स टिकट भी हम रेज कर चुके हैं, टिकट लगा चुके हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके बैक ऑफिस का जो प्रोफाइल है उसमें आप देखना कि आपकी एक ओमेल आईडी लिखी होगी नीचे। जी हाँ, जहां आपकी सारी डिटेल लिखी होती है वहां आपकी ओमेल आईडी लिखी होगी, पहले वो आप जाकर के चेक करो। और जिस ओमेल आईडी से आप अपना इकोसिस्टम खोल रहे हो, जो अपना इकोसिस्टम ऑन कर रहे हो ओमेल आईडी पासवर्ड डाल करके, तो आप ये देखो कि आपका इकोसिस्टम जिस ओमेल आईडी से खुल रहा है वो वाला ओमेल आईडी, और आपके बैक ऑफिस में जो ओमेल आईडी लिखा हुआ है वो वाला ओमेल आईडी एक ही है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, पहले ये चेक करो। अगर एक ही है तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बाद में सही हो जाएगी। अगर अलग अलग है तो ये वहीं से ही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, करंट यूजर इज नॉट रजिस्टर करके तो वहीं से ही दिक्कत आ रही है। अदरवाइज हमारा जो ओमेल है वो एक नए वर्जन में आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बाद में ऑटोमेटिकली जो यहां से खत्म हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई, पहले आप इसको चेक कर लो कि दोनों ओमेल एक ही है या अलग अलग है, और अभी टिकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी किसी का भी टिकट पता नहीं देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम वो कनेक्ट को लाइव करने के लिए किया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, अभी कभी टिकट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, न्यू कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओमेल या जीमेल पर वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? नए कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओमेल या जीमेल पर वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? देखो, वेरीफाई करने का कोई अलग से मेल नहीं आता है। जी हाँ, वेरीफाई करने का कोई अलग से मेल नहीं आता है, परंतु भविष्य में जो हमारी आईडी है, जो ओमेल आईडी है, अगर आप उसमें कोई भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या कोई भी आईडी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जीमेल आईडी पर आपको मैसेज जाया करेगा जहां पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आईडी में भविष्य में अगर आप कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो आपको जरूर उस जीमेल आईडी पर आपको कुछ ना कुछ जाएगा, उसके बाद ही आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मेरा इकोसिस्टम पासवर्ड से न खुल करके ओटीपी से खुलता है, क्या करूं कि इकोसिस्टम पासवर्ड से खुलने लगे? तो भाई इसका तो एक सीधा सा समाधान है, अगर आपका पासवर्ड, इसका मतलब सीधा सा कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं इसलिए आप अपने ओटीपी से खोल रहे हैं, मतलब ओटीपी का सीधा सा मतलब है कि आप अपने ओटीपी जाते हैं, आपके जीमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच जाता है और उसके बाद आप अपना इकोसिस्टम ऑन कर लेते हैं। तो सिंपल आपको तरीका अपनाना है, आप अपने इकोसिस्टम का पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पे अपना ओमेल और पासवर्ड डालते हैं, तो नीचे फॉरगॉट का एक ऑप्शन होगा,
फॉरगॉट पासवर्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे एक नया लाइन बन के आएगा, उसमें आपको अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी को वहां पे डाल देना है, जीमेल आईडी को डाल देना है और उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके उस जीमेल आईडी पर जो है एक रीसेट का बटन पहुंच जाएगा। जी हाँ, उस मेल पर एक पासवर्ड को रीसेट करने का बटन पहुंच जाएगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप उसमें अपना नया पासवर्ड बना लीजिए ओमेल का। जी हाँ, नया पासवर्ड आप बना लीजिए ओमेल का, उसके बाद आप बेहिचक बिंदास होकर के अपना पासवर्ड के साथ अपना ओमेल आईडी यूज करिए, अपना इकोसिस्टम को ओपन करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चंस, आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट के लिए। और अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ये लगातार चलते रहेंगे क्योंकि कंपनी में लगातार काम चल रहा है, जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। तो इसी वीडियो के नीचे, नेक्स्ट वीडियो के नीचे जो भी वीडियोस आ रही हैं, आप वीडियो के नीचे जेन्युइन क्वेश्चन को टाइप करिए जिससे कि मैं उसका आंसर सही तरीके से दे पाऊं और आपके द्वारा भी बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं और जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही इकोसिस्टम को लगातार सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।